हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। जो IFB वालों ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा था मेल पे कि उसके भी यहाँ पे मतलब उनको जैसे वो मांगते हैं ना यहाँ के बैंक अकाउंट में, जैसे मैं पहले गया था यहाँ के बैंक में, तो मैंने अकाउंट खुलवाने के लिए उनसे पूछा। तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए आपको सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्टैक्ट मतलब जॉब कॉन्टैक्ट, बट इस टाइम भी मेरे पास जॉब कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसीलिए IFB वालों ने मुझे उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया है IFB की तरफ से, तो मेरे पास वो मेल पे है। तो मैं वो डॉक्यूमेंट लेके आज बैंक में जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहेगा। अपने ब्रैरो में ही है, बैंक का नाम है नोवो बैंको, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहेगा। बाकी मिलेनियम भी है एक बैंक, बट मैं जा रहा हूँ नोवो बैंको में, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सबके जो बैंक है वो अकाउंट है नोवो बैंको में ही खुले हैं। तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ और हो चुका हूँ मैं रेडी, ठीक है। तो अभी मिलते हैं आपको, घर से निकलते हुए रास्ते में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे, यहाँ से भी बस जाएगी। तो बस की जो टाइमिंग है 12:56 पे है और अभी 12:45 हुए हैं, तो आने वाली होगी। तो मैं 10 मिनट पहले ही मतलब घर से निकल ही गया था। मैं घर से निकल के मैंने टाइम वगैरह देखा है, क्योंकि 2-3 बसें और थी बट वो ज़्यादा टाइम लगा रही थी। वो यहाँ से निकल जल्दी रही थी बट टाइम ज़्यादा लगा रही थी, क्योंकि उनके स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं और इसके स्टॉप ही 5-6 स्टॉप है इसके, उसके 10 उनके 10-12 स्टॉप थे। तो अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ बस की वेट में, ठीक है। तो बाकी अपने घर से ये 6602 वही स्टॉप है जहाँ पे मैं मतलब पहले भी आ चुका हूँ। घर से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बस में बैठने के बाद, दिखाते हैं आपको सफ़र और बताएंगे आपको भी बैंक अकाउंट के लिए हमको क्या क्या चीज़ें जरूरत है। देखते हैं आज मेरा बैंक अकाउंट खुलेगा नहीं खुलेगा, कैसे जो भी रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आपको बस में बैठने के बाद। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से और मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल। 1 मिनट का रास्ता ही है, 1 मिनट में का भी क्या, इस साइड है वो सामने ही है जो ग्रीन ग्रीन जो बोर्ड लगा हुआ है वो बैंक का ही है। तो देखते हैं बंदा के क्या, तो जो भी होगा बताएंगे आपको, ठीक है। बाहर निकलने के बाद अभी फिर वो जाके आ सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको पता ही है वीडियो बनाना ऐसे कहीं भी अलाउड नहीं होता। तो अगर बैंक अकाउंट खुल गया तो वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं खुला तो बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या क्या नहीं, ठीक है। ये पहुँच चुका हूँ बैंक में, तो मिलते हैं आपको आने के बाद ही। तो वैसे अभी मैं बैठा हूँ अपना बैंक के अंदर ही, ठीक है। तो देखते हैं अभी मैंने उसमें बोर्ड में जो सामने लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें बोर्ड में एक क्लिक किया, ठीक है। अभी नंबर आया मेरा A53, तो अभी देखते हैं कोई आएगा तो उनसे करते हैं हम बात, तो बताते हैं आपको क्या रहेगा कैसा नहीं। तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर, उनके मतलब जो स्टाफ से मेरी बात हुई है, तो एक मैडम आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो जरूरी हैं। तो जो मेरे पास जो मेरा सोशल है मतलब यहाँ का डॉक्यूमेंट होता है वो, उसमें जो एड्रेस है वो मेरा यहाँ का होना चाहिए। उसमें एड्रेस है तो पुर्तगाल के है बट कहीं और का है, तो पहले वो यहाँ का एड्रेस मांग रहे हैं। तो और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, पासपोर्ट, NIF एड्रेस और एक जो पेपर लॉक होते हैं वो, और एक IFP की तरफ से जो मुझे तरफ से जो उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि ये दिखाने के बाद आपका जो अकाउंट वो खोल देंगे। बट कि मतलब उनको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी जॉब के लिए कि किसी जॉब का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो अब इसका पहले देखते हैं पासवर्ड का, करते हैं इसको चेंज, तो उसमें एड्रेस चेंज करके फिर आते हैं। मैं भी 2-3 दिन लग ही जाएंगे उसमें भी ना, तो पहले स्क्रीन की हो भी जाना पड़ेगा खोसल के। तो कल या परसों देखते हैं, मॉर्निंग में जाएंगे वहाँ पर तो बताते हैं आपको। तो और अब चलते हैं अपना घर की तरफ, बाकी आस पास की है लोकेशन यहाँ की, इसको बोलते हैं फॉरम ब्रैरो, मतलब मेन ब्रैरो का ये ब्रैरो की मेन मार्केट लगा लो इसको, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑफिस यहीं पे हैं इनके, बट सोशल का जो ऑफिस है ये अपने जहाँ का हमारा एड्रेस है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा, बैक सौदा बनेरा में, ठीक है।
तो अब मिलते हैं आपको घर पर जाके ना। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपना घर पे और देखते हैं अब अपना एक वो सोशल जो इनका डॉक्यूमेंट होता है पुर्तगाल में, सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, कि अगर इनकेस किसी को कुछ हो जाता है तो इनकी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पेमेंट वगैरह पे करती है, वो चीज़ होती है वो चीज़, ठीक है। तो अभी पहुंच चुका मैं घर पे, तो देखते हैं अब कब वो क्लियर होएगा उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह, अभी देखते हैं कल परसों जब भी जाऊंगा सोशल ऑफिस में, नहीं तो देखता हूँ ऑनलाइन कोशिश करने की, अगर ऑनलाइन हो जाता है तो, जिससे मतलब जैसे पेपर लॉक करवाए थे ना उनसे एक बार पूछ लेते हैं अगर उनके पास कोई सोल्यूशन होगा तो। तो अभी मिलते हैं आपको, आज के लिए इतना ही था, अभी मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी किसी को अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ जाननी हो पुर्तगाल में कि बैंक अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या 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 कुछ है, कितना टाइम लगता है, कौन से बैंक में अकाउंट खुलाना सही रहेगा, कुछ भी जानने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी सोशल और फाइनेंस का जो भी उसके आईडी पासवर्ड के लिए कैसे क्या करना पड़ता है उसके लिए भी आप जान सकते हैं। तो कुछ भी जानने के लिए इंस्टा पे फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।